जब भी बात स्किन केयर की होती है तो हम में से ज्यादातर लोग केमिकल प्रोडक्ट्स को चेहरे पर अप्लाई करते हैं, लेकिन आप अपना थोड़ा सा ध्यान अपने किचन की तरफ ले जाएं तो आपको वहां कई ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिनसे आप अपनी स्किन को आसानी से संवार और निखार सकते हैं। आज इसी बारे में हमसे बात करेंगी जानी मानी ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा, जो आपको ऐसी होम रेमेडीज बताएंगी जो आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई दिखना चाहता है खूबसूरत और जवान, और खूबसूरत रखने के लिए अच्छी स्किन बहुत जरूरी है, और स्किन को अच्छा रखने के लिए स्किन केयर बहुत जरूरी है। मौसम कैसा भी हो, स्किन को मॉइस्चराइज करना तो बहुत ही जरूरी है, और मॉइस्चराइज करने के लिए एलोवेरा से अच्छी चीज क्या हो सकती है। आप एक एलोवेरा का पीस लीजिए, उसे टेढ़ा काट के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। इसमें से एक पीला सा लिक्विड निकलेगा, जिससे कभी कभी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, उसको निकल जाने दीजिए। फिर इसको धोने के बाद सेंटर से काटिए, जेल निकाल लीजिए, उस जेल में मिला लीजिए थोड़ा सा हनी, और इसको अपने फेस पे लगा के एक दो मिनट मसाज कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर के बाद धो डालिए। देखिए आपकी स्किन कैसे मॉइस्चराइज हो जाती है, और हो जाती है बहुत ही खूबसूरत। जब भी आप घर से बाहर जाएं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी है, और सनस्क्रीन बाजार में बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो बहुत सारा पसीना आता है और हम सनस्क्रीन लगाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सनस्क्रीन आप घर से निकलने से 20 मिनट पहले लगाएं, और जो पसीना आएगा किसी भी कॉटन के रुमाल से थोड़ा थोड़ा टैप कर दीजिए, पसीना खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा पसीना नहीं आएगा। उसके ऊपर आप चाहे मेकअप करके या बिना मेकअप के भी घर से बाहर जा सकते हैं। आप चाहे तो घर में भी सनस्क्रीन बना सकते हैं, उसके लिए आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, आधा चम्मच जोजोबा ऑयल और 2 चम्मच एलोवेरा जेल, इन सबको मिक्स कर लीजिए, और इसमें डालना है 1/4 टीस्पून जिंक ऑक्साइड। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये बन गया आपका घर के अंदर एक सनस्क्रीन क्रीम। स्किन को टोन करना बहुत जरूरी है, और टोन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं राइस वाटर। उसको बनाने के लिए क्या करना है, थोड़े से चावल लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और पानी में भिगो दीजिए, और साथ में डाल दीजिए थोड़े से गुलाब के या जैस्मिन के फ्लावर्स। 12 घंटे के बाद उसे निकालिए और अच्छे से मसल लीजिए, चावलों को भी मसल लीजिए, फूलों को भी मसल लीजिए। फूलों की बहुत सुगंध आएगी उसके अंदर, और चावल जो है उसमें से एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें से मिनरल्स, वाइटमिन सब पानी के अंदर आ जाएंगे। इसे छान लीजिए और रख दीजिए फ्रिज के अंदर। इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चाहे तो थोड़ा सा कॉटन बॉल के ऊपर लगा के अपने फेस पे लगा लीजिए, या किसी स्प्रे बॉटल में डाल के फेस पे स्प्रे कर लीजिए। बदलते मौसम में स्किन को नरिश करने के लिए बादाम का तेल बहुत ही अच्छा रहता है। आप थोड़ा सा बादाम का तेल ले लीजिए रात को, अगर चाहे तो हल्का सा उसको गर्म कर सकते हैं, और उसको अपने नाक में थोड़ा सा डालिए, उसको थोड़ा सा सूंघिए। थोड़े से बादाम तेल को फेस पे मसाज करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, 1 या 2 मिनट अगर हर रोज उससे मसाज की जाए तो आपकी स्किन बहुत अच्छी बनी रह सकती है। थोड़ा सा बादाम का तेल आप चाहे तो नाभि पे भी लगा सकते हैं, इससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरह से मैंने कुछ जो टिप्स दी हैं उनको इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को बदलते मौसम में खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।